दोस्तों हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं एक शब्द जिसका नाम है कमीशनिंग। तो दोस्तों ये कमीशनिंग होता क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सुनते होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्लांट है, उसका इरेक्शन हो गया है लेकिन अभी कमीशनिंग बाकी है, या किसी प्लांट का अभी कमीशनिंग हो रहा है। तो ये कमीशनिंग होता क्या है इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि कमीशनिंग क्या होता है और इसको कैसे करते हैं और ये टर्म्स कहां से इन्वेंशन हुआ है। तो दोस्तों अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो हमेशा आपके लिए मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कमीशनिंग होता क्या है और सीखते हैं कमीशनिंग। दोस्तों कमीशनिंग क्या है यही मेन टॉपिक है और मैं आपको आसान भाषा में आज समझाने वाला हूं कि कमीशनिंग क्या होता है। एक बार देखेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कमीशनिंग। दोस्तों कमीशनिंग ये होता है कि एश्योर करना, क्या करना, एश्योर करना। जो कमीशनिंग जो शब्द है इसका मतलब है कि विश्वास, क्या है, विश्वास। मैं अपने भाषा में आपको आसान भाषा में ऐसे समझा रहा हूं कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कमीशनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, विश्वास का, एश्योर करने का, विश्वास दिलाने का होता है कि जितने भी सिस्टम लगे हैं, जितने भी सिस्टम या जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, किसी भी बिल्डिंग का हो सकता है या कोई इंडस्ट्रियल प्लांट का हो सकता है, जो एज पर डिजाइन है कि नहीं, इंस्टॉल प्रॉपरली है कि नहीं, टेस्टेड है कि नहीं, कि वो सिस्टम चल रहा है कि नहीं, ऑपरेट होता है कि नहीं, या और मेंटेन है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ओनर और फाइनल क्लाइंट्स। तो दोस्तों समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल एक आपके घर पे एसी लगाना है, ठीक है, एसी लगाना है, एक आपके घर पे एयर कंडीशनिंग लगाना है। तो एसी लगाना है, आपने डिजाइन किया कि ये घर है, ये आपका घर है और यहां पे लगाना है। तो आपने एक वेंडर को बुलाया, जैसे मान लीजिए वर्लपूल का बुलाया या वोल्टास के, एलजी का, मान लीजिए एलजी का बुलाया आपने एसी को और एसी लगाने के लिए यहां पे आपने ड्राइंग दे दिया। तो अगर वो ड्राइंग के हिसाब से आपने यहां रखा है, लगाया यहां दिया है, तो एज पर डिजाइन यहां था, लगाया यहां, तो गलत लगाया है ना, तो एज पर डिजाइन नहीं है। इंस्टॉल करना था आपके कमर के आसपास, तो उसने कर दिया आपके सर के ऊपर, तो वो इंस्टॉल प्रॉपरली है कि नहीं, और इंस्टॉल करने के बाद वो चेक किया है, चलाया है कि नहीं, मतलब टेस्टेड है कि नहीं, कि चलाने पे चलता है यानी एसी वर्क करता है, ऑपरेटेड है कि नहीं, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं, यानी जब आप ऑपरेट करते हैं जैसे रिमोट से अगर आप एसी को ऑन कर रहे हैं तो एसी ऑन हो रहा है कि नहीं, मेंटेन किया है एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, यानी आप बेड पर बैठे हुए अगर आप एसी को ऑन करते हैं तो एसी ऑन होता है कि नहीं। तो ये पूरा काम जो है, कितने काम होंगे, डिजाइन इसमें शामिल है, इंस्टॉल्ड शामिल है, टेस्टेड है, ऑपरेटेड है और मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। जो की पॉइंट्स है ये है कि अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, जो भी ऑपरेशनल के रिक्वायरमेंट है यानी जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है कि नहीं। सिर्फ अगर एसी लाके घर पे रख दिया, कार्टून भी नहीं खोला गया है, वायरिंग भी नहीं हुआ है, उसके प्लग भी नहीं लगाया गया है, तो कैसे कह सकते हैं कि एसी कमीशन हो गया है। एसी क्या हो गया, एसी मंगा दिया गया है लेकिन एसी लगा नहीं। उसी तरह घर पे आपका फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, कूलर हो सकता है, फैन हो सकता है, इवन बहुत सारे अप्लायंसेस है जो कि आजकल इंस्टॉलेशन की जरूरत होती, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ है जो पानी का फिल्टर है, उसके लिए भी कमीशनिंग की जरूरत होती है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कमीशनिंग में शामिल क्या होना है। कमीशनिंग में ये एश्योर करना है, विश्वास दिलाना है कि एज पर डिजाइन सिस्टम या कंपोनेंट्स लगा है कि नहीं। जैसे बिल्डिंग की बात हो तो बिल्डिंग में, इंडस्ट्रियल प्लांट की बात हो तो इंडस्ट्रियल के प्लांट में, एज पर डिजाइन है कि नहीं, एज पर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, टेस्टेड है कि नहीं यानी सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऑपरेटेड है कि नहीं यानी ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, और मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं कमीशनिंग। मतलब कमीशनिंग में मोटा मोटी में ये समझ लीजिए कि हम चेक करेंगे कि जो सिस्टम हमने लगाया है वो चलने लायक है कि नहीं, एज पर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है कि नहीं, प्लांट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है कि नहीं, उसी को बोलेंगे कमीशनिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डेफिनेशन है बहुत आसान लगा होगा और आप समझ गए होंगे, आप समझ भी गए होंगे कि कमीशनिंग के मतलब क्या होता है और इसको कैसे करते हैं, साइट पे क्या क्या कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।
जय हिंद जय भारत दोस्तों।